शर्म तो नहीं आती? माँ बाप की बातें छुप कर सुनती हो? शर्म की कौन सी बात, किसी दूसरे के बारे में तो बात नहीं हो रही थी, मेरे बारे में ही हो रही थी। मुझे पूरा हक है जानने का। बकवास में तो तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। जब उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, तुम अब्बा को क्यों मजबूर कर रही हो वहां जाने के लिए? खामा खा बेइज्जत होंगे। अगर उन्होंने इकरार करना होता तो इनकार करते क्यों भाई? मैं अकल देने की जरूरत नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत है इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। एक तो इनके फायदे की बात करो, वो भी इनको बुरी लगती। ठीक है भाई, मेरी बला से बेइज्जत होने का इतना शौक है तो हो बेइज्जत, मुझे क्या। रुको, बैठो। जो मैं तुमसे पूछ रही हूं उसे बिल्कुल सच सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। पूछे बताओ मुझे वो लड़का कौन है जिसकी वजह से तुमने अपने अब्बा के लाए हुए रिश्ते को मना किया था? हरीम में वो तमाशा नहीं भूली जो उस दिन तुमने घर में किया था, वो कमीज भी नहीं भूली जो तुमने जलाई थी। सच सच बताओ वो कौन है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दूंगी, पहले बताएं कि आपके सवाल क्यों पूछ रही हैं, उसके बाद जवाब दूंगी। मैं सोच रही हूं कि मैं तुम्हारे अब्बा से कहूं उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दें जिसे तुम चाहती हो। अम्मा, सब वाकई हो सकता है क्या? वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी, मगर तुम मुझे पहले बताओ वो लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान का है। अगर मैं मुतमईन हुई तो तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। मां, लेकिन मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर मुझसे तुम्हें क्या रह चाहिए? माँ, ऐसे तो मत देखो जैसे मैंने कोई गुनाह करने की इजाजत मांग ली हो तुमसे। बक बक मत करो, जल्दी पूछो जो पूछना है, मुझे तुम्हारे अब्बा को खाना भी देना है। वो अम्मा, मुझे बात ये करनी है कि मुझे एक दिन घर से बाहर जाने की इजाजत दे दो ना प्लीज। मुझे उसी लड़की से मिलना है, बात करनी है ना उससे, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी कि वो कहाँ रहता है, कौन है, क्या करता है, सब कुछ। इजाजत? ये नहीं हो सकता, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई? अगर तुमने अपनी दोस्त की तरह चांद चढ़ा दिया ना तो तुम्हारे अब्बा मुझे जमीन में गाड़ देंगे और तुम्हें भी।